शिमला शहर के सीवरेज समेत इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से निकलने वाला खतरनाक पानी बिना शुद्ध किए शिमला ग्रामीण के 20 से अधिक पंचायतों के हजारों लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। शिमला नगर निगम की इस आपराधिक लापरवाही से हजारों लोगों, पालतू मवेशियों और जंगली जानवरों को खतरा पैदा हो रहा है। इस बाबत उमंग फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से इस मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उमंग फाउंडेशन के ट्रस्टी विनोद योगाचार्य ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि इस लापरवाही से आसपास के क्षेत्रों में भीषण दुर्गंध और गंदगी का माहौल है। उनका कहना है कि इसके अलावा खेतों में सब्जियों की फसल भी इससे खराब हो रही है। यह मलमूत्र एवं IGMC की खतरनाक गंदगी वाला पानी गाँव निहारी, गौ सदन चैड़ी और क्यार कोटी होते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है। विनोद योगाचार्य ने कहा कि बरमू का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अक्सर खराब रहता है, जिससे हजारों लोगों के जीवन को खतरा पैदा होता है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से तुरंत इस ओर कदम उठाने और दोषी अफसरों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। नमस्कार, आज हम शिमला के साथ ग्रामीण क्षेत्र में इस समय उपस्थित हैं। यहाँ हम आपको दिखाना चाहते हैं सीवरेज प्लांट से जो पानी छोड़ा जा रहा है। यह जगह गौ सदन क्यारकोटी के पास स्थित है, चैड़ी फिर क्यारकोटी। और यहाँ देखिए बरमू से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी छोड़ा जा रहा है, आपके सामने पानी का कलर देखिए। और यहाँ बहुत बुरी स्मेल है, यहाँ खड़े होना भी बहुत मुश्किल है। और यही पानी आगे जाकर पशुओं को पीने के लिए प्रयोग होता है, आगे जाकर इंसान भी इस पानी का प्रयोग करते हैं। तो मेरा प्रशासन से भी निवेदन है कि इस पानी का, इस जो ये पानी चल रहा है, इसकी जांच करवाई जाए और इस प्रकार के प्रदूषण को खत्म किया जाए, अन्यथा इससे अनेक प्रकार की बीमारियां ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने का डर है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।